हेलो स्टूडेंट, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स में हमने गॉसियस थ्योरम का पूरा डेरिवेशन कर लिया था, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो गॉसियस थ्योरम की ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। गॉसियस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ाने से पहले उससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। कूलम्स का नियम हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये था हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं गॉसियस थ्योरम की एप्लीकेशन में, ये सेकंड एप्लीकेशन है गॉसियस थ्योरम की, जिसमें हम क्या करते हैं किसी एक पॉइंट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ गॉसियस थ्योरम, मतलब गॉसियस की थ्योरम यूज करके। अब अगर हम इंग्लिश में इसका डेरिवेशन बोले तो हम बोल सकते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉसियस थ्योरम, या फिर हिंदी में बोले तो गॉस प्रमेय के सहायता से कूलम्ब के नियम की स्थापना, ठीक है। हम गॉस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, कूलम्ब के नियम को या फिर कूलम्ब के लॉ को डिफाइन करेंगे। ये होता है हमारा कूलम्ब का लॉ, ठीक है। हमको लास्ट में यही डिराइव करना है। अब किसकी हेल्प से करना है, गॉस थ्योरम की हेल्प से करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। पॉइंट कंसिडर किया है, अब इस पॉइंट से एक डिस्टेंस ली मैंने, जहां पे पॉइंट दिया मैंने क्या P, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ O, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R, क्लियर है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R कंसिडर कीजिए। और यहाँ पे चार्ज में दे देता हूँ प्लस क्यू, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो वो प्लस क्यू रहेगा इसे। अब बताओ मुझे यहाँ पे O से P पे मैं क्या निकालूंगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाला। यहाँ पे गॉसियस थ्योरम अप्लाई करना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियस, इसको क्यों नहीं, सबसे पहले तो ये रीजन आता है कि नहीं क्यों हम गॉसियस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। जब मैंने आपको गॉस प्रमेय बताया था, गॉसियस थ्योरम बताई थी, तब बोला था कि गॉसियस थ्योरम की हमेशा एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन ये कि गॉसियस थ्योरम हमेशा एक बंद पृष्ठ में लगती है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस में लगाई जा सकती है। और ये क्या है, पूरा ओपन है। तो ओपन सरफेस में हम गॉसियस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले हमें सरफेस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए किसी पॉइंट को, वो पॉइंट को मुझे अगर क्लोज करना है तो मैं किससे कर सकता हूँ, स्फीयर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि O P, इसको R को मैं रेडियस कंसीडर करूंगा। रेडियस कंसीडर करने के बाद एक क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेयर, स्पेयर कर रहा हूँ इसलिए पूरी लाइंस नहीं आएंगी, डॉटेड लाइंस आएंगी, ठीक है। स्पेयर एक 3D है, 3D शेप है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली पूरी पूरी लाइंस नहीं बना सकते, डॉटेड लाइंस आएंगी। तो ये क्या हो गया, हमारा स्पेयर हो गया, स्पेयर मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमें इसको सबसे पहले तो यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, तो मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। फाइ इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू एस, ई डॉट एस, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ई डॉट एस फाइ का। अब वेक्टर अगर मुझे हटाना है तो वेक्टर को हटाने के लिए क्या करूंगा, ई डॉट एस कॉस थीटा, आया समझ में, ई डॉट एस क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले, अच्छा ये भी छोड़ो, फाइ इज इक्वल टू क्या है, ई डॉट एस है, मतलब इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और इंटेंसिटी दोनों का मैं मल्टीप्लाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे फाइ का फॉर्मूला होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, वो P से गुजरना है, मतलब P से वो क्या करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, P से पास थ्रू होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, P के आसपास एक सरफेस, गॉसियस सरफेस मान लूंगा, ऐसा मैं P के आसपास में क्या करता हूँ, पृष्ठ को बंद कर देता हूँ। पृष्ठ को बंद किया मैंने एक स्पेयर से, तो यहाँ पे अगर इस स्पेयर का सरफेस एरिया एस है तो इसका क्या हो जाएगा, डी एस। हम गॉसियस थ्योरम में भी देख चुके हैं कि अगर कोई छोटी यूनिट है तो उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, आगे डी लगा के। तो यहाँ अगर इसमें सरफेस एरिया एस है तो इसका क्या हो जाएगा, डी एस। अब इन दोनों को मानते हैं, सबसे पहले फाई की वैल्यू, अगर मैं फाई की वैल्यू देखूंगा तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस, क्योंकि डी एस का इसका सरफेस एरिया है। अब उसके बाद फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस है, वेक्टर हटेगा यहाँ से, तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा,
अब यहाँ पे सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है, सबको पता है कि स्क्वायर में बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्योंकि एंगल बनता ही नहीं है। तो E डॉट ds cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos जीरो डिग्री में डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। cos जीरो पे वैल्यू क्या होती है, वन, तो ई क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ds cos 0 डिग्री, तो ds cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहां पे cos 0 डिग्री की 1 p हो जाएगा ds into 1 ds। अगर मैं ds की बात करता हूं यहां पे तो क्या है वो, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं, हां तो ये क्या है, गोले का क्षेत्रफल है पूरा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ds क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का मतलब गोले का क्षेत्रफल है, जिसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई r स्क्वायर होती है, ठीक है, सबको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां पे ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ds की वैल्यू, अगर ds की जगह मैं 4 पाई r स्क्वायर रख दूंगा तो क्या होगा, यहां पे देखो पाई इज इक्वल टू e वैसा का वैसा, ds की जगह क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। लेकिन बाय गॉसेस थ्योरम वी नो दैट गॉसेस प्रमेय से हमें पता है कि phi इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये हम पहले भी गॉसेस थ्योरम में डिराइव कर चुके हैं, तो ये हमें पता है कि गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है, phi इक्वल्स टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो phi इसके बराबर है और phi इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 e 4 pi एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब e को मैं यहीं पे रखता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे इंटेंसिटी निकालनी है o और p के बीच में, तो e को मैं यहीं पे रखता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेज देता हूं, तो e इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं हम ऐसा, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसी को रीअरेंज करना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं E is equal to 1 upon में 4 pi epsilon naught into Q upon में R square, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 pi epsilon naught को मैंने एक साथ लिख दिया, Q upon में R square को एक साथ लिख दिया, दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, यहां तक नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाला इतना क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां पे क्या था, q अपॉन में r स्क्वायर। अब हमारा जो कूलम्स लॉ था आपको याद होगा, मैंने क्या बताया था, f is equal to 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। यहां पे एक चीज साफ दिख रही है कि बाकी तो पूरा एक जैसा है, लेकिन यहां पे e की जगह f है और q1 q2 है और वहां पे सिर्फ एक ही चार्ज है q है, यहां पे दो चार्जेस है, तो मैं मानता हूं कि p के आसपास लेट अस कंसीडर अ चार्ज q नॉट अराउंड p, ठीक है, हम मानते हैं कि q नॉट नाम का एक आवेश p के आसपास कहीं उपस्थित है, तो अगर ऐसा है देन तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e into q naught, ठीक है, जितनी भी इंटेंसिटी यहां पे है ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, e into q naught के, तो e की वैल्यू हमारी ये, मैं रखता हूं यहां पे f is equal to e की वैल्यू 1 upon में 4 pi epsilon naught into q upon में r square, e की वैल्यू हमने रख दी मल्टीप्लाई q naught, तो यहां पर हो गया q naught। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं f is equal to 1 upon में 4 pi epsilon naught into q q naught अपॉन में r स्क्वायर, फोर्स की यूनिट होती है, आया समझ में।
यही क्या था हमारा कूलम का लॉ था। एक बार अच्छे से देख लेना, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, फाइव जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा आ रहा था उसकी वैल्यू निकाली, उसको हमने इक्वेशन नंबर वन दे दी, ठीक है। किससे निकाली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से। सेकंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस थ्योरम ने क्या बताई थी, गॉसेस थ्योरम ने एक अलग फॉर्मूला दिया था, उसने बोला था कि फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा होगा वन और टू ऐसे होंगे तो दोनों को मैं इक्वेट करूंगा, फाइव इसके बराबर है और फाइव इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो मैंने इन दोनों को बराबर लिख दिया, ठीक है। ई को हमने वही रखा क्योंकि हमने इंटेंसिटी निकालनी थी, बाकी सबको उधर नीचे भेज दिया, नीचे भेजा तो हमारा आगे का सिंपल मैथमेटिक्स है। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमें एक और चार्ज चाहिए, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता वहाँ पे प्लस चार्ज होता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ यहाँ पे लेट अस कंसीडर, हमने माना है कि Q0 नाम का आवेश जो है वो P के आसपास कहीं उपस्थित है, ये हम मान रहे हैं कि Q0 भी वहीं आसपास कहीं होगा, तो हमने यहाँ पे Q0 रख दिया। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इनटू Q0, तो F की वैल्यू क्या है, हमने इंटेंसिटी की वैल्यू रखी है इनटू Q0, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q Q0 अपॉन में r स्क्वायर। ये हो गया हमारा डेरिवेशन प्रूफ। देखो ये वाली जो वैल्यू थी ये हमारी, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि कूलम्स लॉ जो आता है ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जितना गॉसेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है उतना ही कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसकी एक और एप्लीकेशन है जो आपके अभी कोर्स में है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अभी मैंने पहले तो कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम करवा दिया। अब जो हम कल डेरिवेशन देखेंगे वो देखेंगे हम लाइन पे, जैसे हमने यहाँ भी कहा कि पॉइंट की वजह से इंटेंसिटी निकाली, तो वहां पे हम क्या करेंगे वायर की वजह से उसकी एक्सिस पे वैल्यू निकालेंगे, उसकी एक्सिस पे इंटेंसिटी निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। आई होप ये आला तो समझ में आ गया होगा, इसके आगे हम दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अगर कोई डाउट आ रहा हो इसमें तो ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।